हे गाइस, इट्स आमिर रेयू। गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो चैनल आमिर रेयू इंडियन रेलवेज़ में। तो गाइस, सबसे पहले तो आपसे खैर खैरियत ले लूँ। आप लोग कैसे? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत ही दिनों से यार एक रिक्वेस्ट आ रही है कि रेल वर्क्स टू ट्रेन सिमुलेटर 2020 में हॉर्न्स कैसे चेंज कर दें। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी, कितने लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए, लेकिन मैंने वही सोचा यार एक बार इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि रेल वर्क्स में आप हॉर्न्स वगैरह आप कैसे चेंज करते हैं और कैसे आपने रिकॉर्डेड किए हुए या अपने मनपसंद हॉर्न्स को उसमें चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि उसके कुछ SMS फाइल्स में भी चेंज करना पड़ेगा। सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अगर वीडियो में कोई नया है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी को मेरी वीडियो से मदद मिलती है तो यार एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो हॉर्न है जो हमें उसमें डालना है, पूरा हॉर्न स्टार्ट टू एंड, वो हमें डेस्कटॉप पर कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ पहले। ठीक है, ये मेरा हॉर्न है, तो ये स्टार्ट टू एंड है। इसमें मैंने गेम्स में भी यूज़ किया, आपने देखा होगा। तो चलिए अब वहाँ पर कैसे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, गोल्ड वेव, क्योंकि इसी से सारा प्रोसेस होता है, इसी से हॉर्न्स वगैरह बनते हैं, हॉर्न्स में साउंड्स वगैरह कैसे डालना है सब इसी से होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा रेल वर्क्स का, इसके लिए मैंने तीनों का हाईलाइट किया हूँ कि हमें ये तीनों ही लगने वाला है यहाँ पर। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कौन से लोकोमोटिव के हॉर्न चेंज करने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा भारत स्ट्रीम के WDP 4D के। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है रेलवर्क्स के फोल्डर में। मैंने यहाँ शॉर्टकट बना के रखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ होता क्या है, कहाँ पर होता है। राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन में जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये एसेट्स दिख रहा होगा, जिस पर डबल क्लिक करना है। 80 लाइक पे डबल क्लिक करना है। विश्वजीत, ये भारत स्ट्रीम जिसका उनका नाम है, इस पर डबल क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करना है, रेल व्हीकल पे करना है, और फिर इंडियन रेलवेज। और ये जो आप यहाँ पर सारा कुछ देख रहे हैं ना, ये सारे साउंड्स फोल्डर है भारत स्ट्रीम के, जितने भी स्टॉक्स वगैरह हैं, एडवांस वगैरह, कोचेस वगैरह, सबके साउंड इसी में। तो मैं आपको WDP 4D के बताऊँगा, या 4D तो नहीं लिखा है, लेकिन WDP D लिखा है, शायद से उनसे कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा। और WDP 4D से देख सकते हैं, WDM 3D भी देख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर WDP 4D को डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोई एक नया आदमी खोलेगा तो यार वो पजल हो जाएगा कि यहाँ पे करना क्या है। तो आपको सिंपली मैं बताता हूँ, ये जो चार फोल्डर है ना, ये सारे हॉर्न्स हैं। ठीक है, क्योंकि उनके बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोकोमोटिव है, आप हर एक में बजा के देख लीजिएगा कौन सा बजता है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हैं। ज़ीरो, अगर आप कोई एक्टिविटी बना रहे हैं यार, आपको कोई एक्टिविटी में आपका समझ लीजिए WDP 4D है, आप उसमें हॉर्न्स चेंज करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि ये हॉर्न्स कौन से हैं, तो ये सारे में आपको प्ले करके देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ये खोलूँगा तो आप इसे प्ले नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसे प्ले नहीं कर पाओगे इसलिए क्योंकि ये डेव फाइल है, अगर आप डबल क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने बनाया हूँ, इसे मैं पहले डिलीट करता हूँ वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये खोलेंगे तो ये इनका ये फोल्डर है पूरा हॉर्न्स का, और ये SMS फाइल है। ठीक है, तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोकोमोटिव में हॉर्न्स कौन सा है, आपको मैं एक मिनट में बताता हूँ। ये मैं मिनिमाइज करके, डेव डिकोडर, ये देखिए, ये आपको डाउनलोड करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, इसे छोड़िए, इसे मत कीजिए, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं है, मुझे कहाँ से मिला था ये भी पता नहीं है, इसे छोड़िए, इसे मत कीजिए। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जैसे कि आपका लोकोमोटिव 0 है, समझिए, आप अगर आप वो फाइल खोलेंगे, जैसे कि आप अपने ट्रेन सिमुलेटर के फोल्डर में, इसमें जाके जैसे कि आप वर्ल्ड एडिटर में जाते हो सीनरी बनाने के लिए। ठीक है, आपका ये लोकोमोटिव यहाँ पर खड़ा है, लो लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, WDP 4D, फिर WDP 4D 01, WDP 4D 2 3, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लोकोमोटिव का हॉर्न कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझ लीजिए, ये जो लोकोमोटिव आपको सामने दिख रहा है, ये आपका है BS WDP 4D, आगे 1 2 3 कुछ भी नहीं है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि वो हॉर्न्स कौन सा है, वो हमें यहाँ पर पता चलेगा, अगर उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है 1 2 3 4, तो वो इसके अंदर है, हॉर्न एंड बेल 0 में। अगर आपको
उसके अंदर WDP 4D1 लिखा हुआ है, तो ये होगा, 2 में ये, 3 में ये, और 4 में CT करके आपका दिखेगा उसमें, वो है, ठीक है। तो अब ये अब मैं डबल ओपन कर लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं आपका जो हॉर्न है वो ये सब है। तीन, एक हॉर्न को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, उसके बाद में यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये जो आपका दिख रहा है WDP 4D जो मैंने प्ले करके दिखाया था, इसे तीन पार्ट में कैसे डिवाइड करना है पहले मैं वो बताता हूँ। गोल्ड वेव को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, और उसके बाद में इस हॉर्न को यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। अभी देख सकते हैं आप, पूरा हॉर्न आपको दिखेगा, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखा आपने, ये पूरा बज गया। अब इसे हमें तीन पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टार्ट का पोजीशन है वो यहाँ पर मैं कहीं पर भी स्टार्ट से लेके थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अपना लेफ्ट क्लिक माउस का, ठीक है, यहाँ बजाता हूँ। अभी इतना ही बजेगा। तो अब ये हो गया हमारा पहला पार्ट। तो इसे हमें पहले यहाँ पर ट्रिम करना है, फिर यहाँ पर फाइल में जाना है। यहाँ पर फाइल में जाने के बाद सेव एज, आपको यहाँ पर कुछ अलग ऑप्शन आएगा, MP4 का ये आएगा, तो आपको वेव करना है। वेव करने के बाद में एट्रीब्यूट पे जाना है, मोनो करके ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर जो फाइल नेम है आपको लिखना है HORN हॉर्न, और फिर ये नीचे वाली डंडी अंडरस्कोर करके स्टार्ट है, तो START, ठीक है। ये करने के बाद में हमें यहाँ पर सेव करना है, येस पूछेगा, येस करना है। तो ठीक है, ये हमारा बन गया स्टार्ट का पोजीशन, और वो स्टार्ट पोजीशन वो डेस्कटॉप पे आ गया। ये देखिए यहाँ पर है ये स्टार्ट, ठीक है। और इसे यहाँ पर फाइल को क्लोज करना है। अब वही वापस से WDP 4D को यहाँ लेना है, ये हमारा खुल गया। यहाँ से हमें एंड का पोर्शन बनाना है, यह लेफ्ट क्लिक माउस, यहाँ से देखे प्ले करते हैं। बस ये एंड का पार्ट है, ट्रिम करके फाइल सेव एज, वही सेम यहाँ पर वेव करना है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एक मिनट, ये यहाँ पर हॉर्न अंडरस्कोर करके एंड का पोर्शन है, तो END END। और यहाँ पर एट्रीब्यूट को मोनो करके ओके करेंगे, सेव करेंगे, रिप्लेस पूछेगा, यस ओके, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉर्न एंड भी बन गया। अब तीसरा पार्ट जो मेन लास्ट पार्ट है, लूप पार्ट, वो बनाएंगे। WDP 4D को वापस से इसके अंदर ला के हमें यहाँ पर कहीं भी बीच में ये ऐसे करना है, ये लूप हो गया, ठीक है। ट्रिम करके फाइल में जाके सेव करना है, वही सेम पोजीशन यहाँ पर कहीं पर भी। अब ये जो हमारा लूप पार्ट है, तो सबको हटा के यहाँ पर लिखेंगे LOOP लूप। लूप डालने के बाद मैं एट्रीब्यूट में जाके मोनो पे जाके ओके और सेव, ठीक है। ये होने के बाद में पूरा कैंसिल करना है, और ये देख सकते हैं हमारा एक हॉर्न का तीन पार्ट बन चुका है। अब आप यहाँ से वहाँ कैसे डालना है वो बताता हूँ। सबसे पहले इसको यहाँ से डिलीट कर देना, बजल नहीं हो इसके लिए, और इसे यहाँ पर हमें कट कर लेना है, या कॉपी आपकी मर्जी। और हमारे सेम वही फोल्डर में जाना है, राइट क्लिक करके, मेरे पास शॉर्टकट है, मैं तो यहाँ से जाता हूँ, ठीक है। ये हमारा WDP 4D और ये ज़ीरो वाला, ठीक है। इसमें जाके हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट तो यहाँ पर हो गया, लेकिन अब ये बजेगा कैसे वहाँ पर? अभी भी आप बजाओगे तो ये बजने वाला नहीं है, क्योंकि ये वेव फाइल है और ये उनका ये डेव फाइल है। तो इसे बजाने के लिए हॉर्न जो उनका ये जो SMS फाइल है, इसे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये आपको ये दिख रहा है, ये हॉर्न स्टार्ट, आपके इसमें ये W की जगह D होगा, डेव, ये जो है वो D लिखा होगा, तो इसे आपको W करना है। मेरे में पहले से ये सारे हॉर्न स्टार्ट, हॉर्न लूप और हॉर्न एंड में WW करना है, सेम देखिए तीनों। अगर आपको बेल का भी साउंड चेंज करना है तो सेम वैसे ही ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर देखिए, बेल स्टार्ट है तो D को हटा के W करना है, D को हटा के W करना है, ठीक है। ये वेव होने के बाद में इसे कैंसिल करना है, तो आपको सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कर लेना है, और आपका जो हॉर्न है परफेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। सेम ऐसा ही सेंडर का हॉर्न है, ये देखिए सेंडर लिखा हुआ है। एक हॉर्न को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, जो स्टार्ट का पोजिशन रहना उसे सेंडर स्टार्ट पे कॉपी पेस्ट करना है, फिर लूप का, लूप में जैसे मैंने बताया वैसे ही। और ये D को वेव कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर हॉर्न्स में जाके। दोस्तों ऐसे ही आपको हॉर्न चेंज करना है सारे लोकोमोटिव के। आप अगर WDM 3D के भी करोगे तो वो भी हो जाएगा। ये देखिए मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ये WDM 3A, WDG 4D, WEB 4F, सारे सेम प्रोसीजर है, कुछ भी अलग नहीं है। ये खोले यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारे, अगर आपको पता नहीं है कि आपका हॉर्न कौन सा है, कभी पजल हो जाओगे, तो यहाँ से आपको क्या करना है मैं आपको एक आइडिया बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं है कि आपका
WDP 4D में जो लोकोमोटिव वो कौन सा हॉर्न है। तो पहले सबसे सपोज आपको ये खोल के हॉर्न जो आपका है ना, जो आपका कीबोर्ड पे जो लंबी वाली स्पेस बटन है वो है हॉर्न, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास डेव कन्वर्टर भी नहीं है, तो ये हॉर्न जो स्टार्ट डेव लिखा हुआ है ना, ये तीनों को यहाँ से उठा के कट कर लेना है। कट करने के बाद में डेस्कटॉप पे कहीं भी पेस्ट कर दो, ठीक है। अब होने के बाद में अगर आप वापस से अपना गेम खोलोगे और वो स्पेस से अगर ये नहीं बज रहा है जो उनका था, तो समझ जाना वही फोल्डर में आपका है। अगर आपका बज रहा है तो इसे वापस से सेम वैसी जगह पे पेस्ट कर दीजिए और फिर दूसरे फोल्डर में जाके वहाँ से कॉपी पेस्ट कट पेस्ट कीजिए। ऐसे आपको पता चल जाएगा कि आपका हॉर्न कौन से फोल्डर में। तो यार वीडियो ज़्यादा लंबी बन गया, मुंह दुख गया बोलते बोलते। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा वीडियो, क्योंकि इतने अच्छे से तो शायद कोई समझाया नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये सॉफ्टवेयर के लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगा google.com पे। गोल्ड वेव डालोगे तो मिल जाएगा, फ्री है, कोई ज़्यादा पैसे वैसे कुछ भी नहीं है, एकदम फ्री है। तो अगर किसी को मेरे इस वीडियो से मदद मिली है तो यार एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर आपका वीडियो हेल्पफुल रहा और हमने हॉर्न चेंज कर लिया। सारे फोल्डर में ऐसे ही करना है, सारे लोकोमोटिव में ऐसे ही करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। कुछ भी तकलीफ रहे कमेंट में कमेंट कीजिए, हर एक कमेंट का मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर कुछ ज़्यादा तकलीफ है, कुछ और पूछना है तो मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ, याहू का MIR7867@yahoo.com। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। गेम को छोड़ के जैसे कि मैंने हॉर्न चेंज करने का बताया, कुछ अलग तो वो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड स्टे सेफ एट होम दोस्तों।